नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा बायनोमियल पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आजकल मैं आपको 11th क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर दे रहा हूँ। अन अकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर मेरे को आरबी गौतम के नाम से सर्च करेंगे तो आपको 11th क्लास की वीडियो मिल जाएंगे। उनका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, आप वहाँ पर जाके फ्री में देख सकते हो, कोई पैसा नहीं लें बिना ब्रेक के। यूट्यूब पर तो ब्रेक आते हैं लेकिन वहाँ पर ब्रेक नहीं आते। अब बिना ब्रेक के मेरे सारे मतलब सारे चैप्टर नहीं, अभी स्ट्रेट लाइन का चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर को बहुत आराम से देख सकते हो। स्ट्रेट लाइन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उन्हें देख सकते हो, ठीक है जी। चलिए साहब, यहाँ पर एक कंसेप्ट समझते हैं बायनोमियल का और बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको इसके एक्सपेंशन में, ठीक है, मिडिल टर्म जो है वो इतना दे रखा है, तब आपको बताना है पी की वैल्यू क्या होगी। पहले जरा हम ये सोचने की कोशिश करें कि p अपॉन 2 प्लस 2 इस पावर 8 है, राइट। इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितने आएंगे, देखिए आप समझ लें। यदि हमारे पास x प्लस बाई टू दी पावर n है तो टोटल टर्म्स कितने आते हैं इसके एक्सपेंशन में, कितने आते हैं n प्लस 1, राइट। तो आप कह सकते हो कि टोटल टर्म्स आएंगे इसमें नाइन, ठीक है, और नाइन एक ऑड नंबर है। अब नाइन टोटल टर्म्स हैं। अब मैं आपसे पूछूं, जरा बताओ कि इसके बीच का टर्म कौन सा होगा, इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे। आप कहोगे नाइन प्लस वन एथ टर्म, मिडिल टर्म कौन सा होगा, लिख लें यहां पर मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हो जाएगा नाइन प्लस वन अपॉन टू एथ टर्म, ठीक है जी। कौन सा टर्म हो जाएगा, ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास ये क्रिएट हुई कि अब इसके एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म कैसे पता करना। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि यदि यहाँ पर आपको आरथ टर्म फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हो, एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर, सॉरी आरथ टर्म निकालना हो तो यहाँ पर क्या आता है, आर माइनस वन आता है, ठीक है। एन सी आर माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस आर माइनस वन और बाई टू की पावर क्या होता है, आर माइनस वन होता है। यदि आपको यहाँ पर फिफ्थ चाहिए तो यहाँ पर क्या लाएंगे, आपको फोर लिखना होगा ना। चलिए इसे अप्लाई करिए, लिखिए फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या आएगा इन दिस एक्सपेंशन, ये आएगा एट सी फोर पी अपॉन टू, पी अपॉन टू इज पावर एट माइनस फोर और दिस टू टू पावर फोर। ये आपको मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म आपको कितना के बने वो इतना के बने, ठीक है जी। इसको इसके बराबर रखकर आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो ना, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 मीन्स 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा पी टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, इतना आ जाएगा स्टूडेंट। ये तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप कह सकते हो कि 8 फैक्टोरियल, इस 8 फैक्टोरियल को आप क्या ले सकते हो, इसे लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पर ब्रेक लगा लीजिए और आप इस 4 फैक्टोरियल को लिख लीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इस 4 फैक्टोरियल को एज इट रहने दीजिए और ये क्या रहेगा, P4 रहेगा। स्टूडेंट ये मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म हमें कितना गिवन है, ये गिवन है आपके पास 1120। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल से करा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जिससे आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो सकता है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी में भी हैं, आप करने की कोशिश करी होगी। मैंने आपको बायनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, उस चैप्टर वाइज लिंक देखना चाहते हो तो बहुत सारे लिंक नीचे अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रखे हैं, एक बार बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस इसलिए करें, 11th क्लास में जितना यूज नहीं है लेकिन ये देखें कि इनका यूज हमें 12th क्लास में होगा। 12th क्लास के लिए हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हो इसके लिए जरूरी है कि हम 11th क्लास को बहुत अच्छी तरह से करें, ठीक है जी। चलिए सर इसे सॉल्व कर लीजिए, ये इसे कैंसिल हो जाएगा और आप इसको 8 ये के कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये पी फोर जो है वो जाएगा 1120 और ये हो जाएगा नीचे 70, ठीक है जी। इससे 0 कैंसिल हो जाएगा, पी फोर जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा शायद, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आप कह सकते हो कि पी स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा और आप कह सकते हो पी जो है प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखिए यहाँ पर आप फैक्टर करेंगे तो आप इस बात को ऐसे भी लिख लें कि पी फोर माइनस का 16 इक्वल टू जीरो है। अब आप इसे पी स्क्वायर माइनस का फोर स्क्वायर पी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर इक्वल टू जीरो ऐसे लिख सकते हो। आप इसके फैक्टर करोगे तो पी स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, और आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, जो एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आने पर रियल नहीं हो सकता। और उसी यहाँ पर कहा है कि पी जो है क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इसलिए हम पी स्क्वायर बराबर माइनस फोर मान के यहाँ पर नहीं चलेंगे। यदि यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर माइनस फोर मान के चलेंगे तो पी की वैल्यू जो आइटा के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू फोर होगा तो पी जो है प्लस माइनस कितना हुआ, 2 हुआ। इस वक्त मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या करा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आया था, आप मेरे से और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन सॉल्व करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उन्हें मैं जरूर सॉल्व करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मेरे कहने से ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। करेंगे ना, करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।